प्रदेश के सियासी संग्राम के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने राजस्थान में चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को हॉर्स ट्रेडिंग के माध्यम से गिराने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इस घटनाक्रम में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस कृत्य में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा के नेता और हमारे दल के कुछ अति महत्वाकांक्षी नेता भी शामिल हैं। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने पत्र में यह भी लिखा कि इस घटनाक्रम की जानकारी आपको है या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन आप इस प्रकार के षड्यंत्र को रोकें। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौर में हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता जीवन की रक्षा करना है। वहीं सीएम गहलोत ने पत्र में स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत की तत्कालीन सरकार को भी गिराने के प्रयास का जिक्र किया और कहा कि मैंने तत्कालीन राज्यपाल बलिराम भगत और प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव से व्यक्तिगत रूप से मिलकर इस चीज का विरोध किया था और कहा था कि इस प्रकार खरीद फरोख्त कर चुनी हुई सरकार को गिराना लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है और ऐसा षड्यंत्र आम जनता के साथ धोखा है।